हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का पार्ट टू देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग 1993 तक की सभी फिल्मों की लिस्ट देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1993 से लेकर 2022 तक की सभी फिल्मों के नाम देखेंगे। परमात्मा 15 अप्रैल 1994 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 160 लाख की और डिजास्टर साबित हुई। चीता 24 जून 1994 को फिल्म आई, कमाई की 3 करोड़ 61 लाख की और हिट रही। जनता की अदालत 29 जुलाई 1994 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 3 करोड़ 10 लाख की और एवरेज रही। नाराज 19 अगस्त 1994 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2 करोड़ 15 लाख की और एवरेज रही। क्रांति क्षेत्र 26 अगस्त 1994 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2 करोड़ 36 लाख की और फ्लॉप रही। यार गद्दार 4 नवंबर 1994 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2 करोड़ 40 लाख की और एवरेज रही। भाग्य देवता एक बंगाली फिल्म है जो कि 1 जनवरी 1995 को आई और फ्लॉप थी। अब इंसाफ होगा 6 जनवरी 1995 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 1.5 करोड़ की और डिजास्टर रही। गुनहगार 16 जनवरी 1995 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.81 करोड़ की और फ्लॉप रही। निशाना 17 फरवरी 1995 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 1.81 करोड़ की और एवरेज रही। द डॉन 28 अप्रैल 1995 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 3.5 लाख की और अबव एवरेज रही। जख्मी सिपाही 17 मई 1995 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.50 लाख की और एवरेज रही। रावण राज 23 जून 1995 में यह फिल्म आई, कमाई की लगभग 5.22 लाख की और हिट रही। अहंकार 25 अगस्त 1995 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 3.14 लाख की और अबव एवरेज रही। जल्लाद 15 सितंबर 1995 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 4.69 लाख की और सेम हिट रही। दिया और तूफान 27 अक्टूबर 1995 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 1.85 लाख की और फ्लॉप रही। जुर्माना 5 जनवरी 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.33 लाख की और एवरेज रही। निर्भय 23 फरवरी 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.34 लाख की और फ्लॉप रही। अपने दम पर 15 मार्च 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.62 लाख की और फ्लॉप रही। जंग 19 अप्रैल 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 6.3 लाख की और एवरेज रही। मुकद्दर 12 जुलाई 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 4.40 लाख की और एवरेज रही। भीष्मा 26 जुलाई 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 3.8 लाख की और एवरेज रही। अंगारा 13 सितंबर 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 4.12 लाख की और फ्लॉप रही। दानवीर 20 सितंबर 1996 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.52 लाख की और फ्लॉप रही। रंगबाज 25 अक्टूबर 1996 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.10 लाख की और एवरेज रही। गुड़िया 5 मई 1997 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 15 लाख की और डिजास्टर रही। सूरज 27 जून 1997 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.51 लाख की और एवरेज रही। जीवन युद्ध 25 जुलाई 1997 में फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.32 लाख की और फ्लॉप रही। दादागिरी 8 अगस्त 1997 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 4.60 करोड़ की और फ्लॉप रही। शेरे हिंदुस्तान 16 जनवरी 1998 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 3.18 लाख की और अबव एवरेज रही। साजिश 20 फरवरी 1998 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 2.59 लाख की और फ्लॉप रही। मिलिट्री राज 27 फरवरी 1998 के दिन फिल्म आई, कमाई की लगभग 4.43 लाख की और एवरेज रही। चंडाल 13 मार्च 1998 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 3.60 लाख की और सेमी हिट रही। उस्तादों के उस्ताद 20 मार्च 1998 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 1.10 लाख की और फ्लॉप रही। हिटलर 15 मई 1998 को फिल्म आई, कमाई की 1.94 लाख की और फ्लॉप रही। मर्द 15 मई 1998 को फिल्म आई, कमाई की 2.29 लाख की और एवरेज रही। हत्यारा 5 जून 1998 में फिल्म आई, कमाई की 2.60 लाख की और फ्लॉप रही। स्वामी विवेकानंद 12 जून 1998 को फिल्म आई, कमाई की 1.25 लाख की और डिजास्टर रही। दो नंबरी 17 जुलाई 1998 को फिल्म आई, कमाई की 1.76 लाख की और फ्लॉप रही। यमराज 31 जुलाई 1998 को फिल्म आई, कमाई की 2.84 लाख की और एवरेज रही। गुंडा 4 सितंबर 1998 को फिल्म आई, कमाई की 3.69 लाख की और फ्लॉप रही। देवता 2 अक्टूबर 1998 को फिल्म आई, कमाई की 2.14 लाख की और फ्लॉप रही। माफिया राज 11 दिसंबर 1998 को फिल्म आई, कमाई की 1.75 लाख की और डिजास्टर रही। प्यासी आत्मा 18 दिसंबर 1998 के दिन फिल्म आई, कमाई की एकमात्र 51 लाख की और डिजास्टर रही। हिम्मत वाला 25 दिसंबर 1998 के दिन फिल्म आई, कमाई की मात्र 1.52 लाख की और डिजास्टर रही। सहारा जलूसी या उड़िया भाषा की फिल्म है, 1998 में रिलीज हुई थी। सिकंदर सड़क का 1 जनवरी 1999 के दिन फिल्म आई, कमाई की मात्र 20 लाख की और डिजास्टर रही। शेरा 5 फरवरी 1999 को फिल्म आई, कमाई की 4.48 लाख की और फ्लॉप रही।
आग ही आग 12 मार्च 1999 को फिल्म आई कमाई की 197 लाख की और डिजास्टर रही। कहानी किस्मत की 26 मार्च 1999 में फिल्म आई कमाई की मात्र 74 लाख की और डिजास्टर रही। फूल और आग 17 मई 1999 में फिल्म आई कमाई की 166 लाख की डिजास्टर रही। गंगा की कसम 4 जून 1999 को फिल्म आई कमाई की 2.55 लाख की और फ्लॉप रही। बेनाम 2 जुलाई 1999 को फिल्म आई कमाई की 2.14 लाख की और फ्लॉप रही। दादा 16 जुलाई 1999 को फिल्म आई कमाई की 2.43 लाख की और फ्लॉप रही। आया तूफान 27 अगस्त 1999 को फिल्म आई कमाई की 1.70 लाख की और फ्लॉप रही। सन्यासी मेरा नाम 1 अक्टूबर 1999 को फिल्म आई कमाई की 1.78 लाख की और एवरेज रही। हीरा लाल पन्ना लाल 22 अक्टूबर 1999 को फिल्म आई कमाई की 1.43 लाख की और डिजास्टर रही। माँ कसम 5 नवंबर 1999 को फिल्म आई कमाई की 2.38 लाख की और फ्लॉप रही। सौतेला 3 दिसंबर 1999 को फिल्म आई कमाई की 1.62 लाख की और फ्लॉप रही। तबाही 17 दिसंबर 1999 को फिल्म आई कमाई की 1.31 लाख की और फ्लॉप रही। ज्वालामुखी 1 जनवरी 2000 के दिन फिल्म आई कमाई की 66 लाख की और डिजास्टर रही। चका 8 जनवरी 2000 के दिन फिल्म आई या बंगाली फिल्म थी जो कि हिट थी। अग्निपुत्र 4 फरवरी 2000 के दिन फिल्म आई कमाई की लगभग 1.51 लाख की और डिजास्टर रही। सुल्तान 17 मार्च 2000 के दिन यह फिल्म आई थी कमाई की थी लगभग 1.38 लाख की और फ्लॉप रही। सबसे बड़ा बेईमान 2 जून 2000 के दिन यह फिल्म आई कमाई की 1.32 लाख की और डिजास्टर रही। जस्टिस चौधरी 4 अगस्त 2000 के दिन फिल्म आई कमाई की 1.33 लाख की और डिजास्टर रही। काली टोपी लाल रुमाल 15 सितंबर 2000 के दिन फिल्म आई कमाई की 1.72 लाख की और डिजास्टर रही। आज का रावण 29 सितंबर 2000 के दिन फिल्म आई कमाई की 1.2 लाख की और डिजास्टर रही। बिल्ला नंबर 786 1 दिसंबर 2000 के दिन फिल्म आई कमाई की 98 लाख की और फ्लॉप रही। बाबू बादशाह 2000 के दिन यह फिल्म आई थी और सेमी हिट थी। भैरव 19 जनवरी 2001 के दिन फिल्म आई कमाई की 1.19 लाख की और डिजास्टर रही। बगावत एक जंग 26 जनवरी 2001 के दिन फिल्म आई कमाई की मात्र 61 लाख की और डिजास्टर रही। जहरीला 2 मार्च 2001 के दिन फिल्म आई कमाई की 87 लाख की और फ्लॉप रही। खतरों के खिलाड़ी 4 मई 2001 के दिन फिल्म आई कमाई की 99 लाख की और फ्लॉप रही। बंगाल टाइगर 8 जून 2001 के दिन फिल्म आई कमाई की 1.9 लाख की और डिजास्टर रही। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया 17 अगस्त 2001 के दिन फिल्म आई कमाई की मात्र 45 लाख की और डिजास्टर रही। बनी है बहनिया हमार या भोजपुरी की एक्शन फिल्म है। 13 सितंबर 2001 के दिन फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप रही। अर्जुन देवा 23 नवंबर 2001 के दिन फिल्म आई कमाई की 1.9 लाख की और डिजास्टर रही। मेरी अदालत 14 दिसंबर 2001 को फिल्म आई कमाई की 99 लाख की और डिजास्टर रही। मवाली नंबर 1 1 जनवरी 2002 के दिन फिल्म आई और डिजास्टर रही। कैदी 3 मई 2002 के दिन फिल्म आई कमाई की मात्र 51 लाख की और डिजास्टर रही। सबसे बढ़कर हम 30 अगस्त 2002 के दिन फिल्म आई कमाई की 31,50,000 की और डिजास्टर रही। मार्शल 13 सितंबर 2002 के दिन फिल्म आई कमाई की 55 लाख की और डिजास्टर रही। हिंदुस्तानी सिपाही 2002 में यह फिल्म आई थी कमाई की लगभग 65 लाख की और डिजास्टर रही। गौतम गोविंदा 11 अक्टूबर 2002 को फिल्म आई कमाई की लगभग 62 लाख की और डिजास्टर रही। चालबाज 1 अगस्त 2003 के दिन फिल्म आई कमाई की 51 लाख की और डिजास्टर रही। गुरु यह एक बंगाली फिल्म है जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। संतरास यह भी एक बंगाली फिल्म है जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। रास्ता यह भी एक बंगाली फिल्म है 2 अक्टूबर 2003 में रिलीज हुई थी। स्वप्ने देखा राजकन्ना 2004 में यह फिल्म रिलीज हुई थी यह भी एक बंगाली फिल्म है। बारूद यह भी एक बंगाली फिल्म है जो कि 2004 में रिलीज हुई। कुली यह भी एक बंगाली फिल्म है 17 सितंबर 2004 को रिलीज हुई थी। चिता यह भी एक बंगाली फिल्म है 21 जनवरी 2005 में रिलीज हुई थी। ऐलान 14 जनवरी 2005 को रिलीज हुई कमाई की 10.80 लाख की और डिजास्टर साबित हुई। देवदूत 2005 में यह एक बंगाली फिल्म आई थी। अर्जुन रिक्शा वाला यह एक बंगाली फिल्म है जो कि 2005 में आई थी। कतलेआम 18 फरवरी 2005 को यह फिल्म रिलीज हुई थी कमाई की थी मात्र 45 लाख की और डिजास्टर रही। क्लासिक डांस ऑफ लव 18 मार्च 2005 को यह फिल्म रिलीज हुई कमाई की मात्र 1.2 लाख की और डिजास्टर रही। लकी 1 अप्रैल 2005 को यह फिल्म रिलीज हुई कमाई की 23.9 लाख की और बिलो एवरेज रही। युद्ध यह एक बंगाली फिल्म है 29 जुलाई 2005 के दिन यह फिल्म रिलीज हुई कमाई की 8 करोड़ की और हिट रही। चोर चोर मस्तू तो भाई 2005 में यह बंगाली फिल्म आई। शक्तिमान 2005 में भी यह बंगाली फिल्म आई। दादा 2005 में आई यह एक बंगाली फिल्म है जो कि ब्लॉकबस्टर थी। चिंगारी 17 फरवरी 2006 में फिल्म रिलीज हुई कमाई की 1.89 लाख की और डिजास्टर रही। सुनजरा 24 फरवरी 2006 में यह फिल्म आई कमाई की 25 लाख की और डिजास्टर रही। इंसाफ की जंग 3 मार्च 2006 में फिल्म आई कमाई की मात्र 72 लाख की और डिजास्टर रही।
अभिमन्यु 4 अगस्त 2006 में फिल्म आई एक बंगाली फिल्म थी जो कि सुपरहिट रही। दिल दिया है 3 सितंबर 2006 के दिन फिल्म रिलीज हुई, कमाई की 3 करोड़ 25 लाख की और डिजास्टर रही। कच्ची सड़क 25 सितंबर 2006 में फिल्म आई, कमाई की 25 लाख 25 हजार की और डिजास्टर हुई। हंगामा एक बंगाली फिल्म है जो कि 2006 में रिलीज हुई। महासंग्राम 2006 में यह फिल्म आई, कमाई की 1 करोड़ 12 लाख की और एवरेज रही। गुरु 12 जनवरी 2007 में यह फिल्म आई, कमाई की 46 करोड़ की और हिट रही। तुलकालम यह एक बंगाली फिल्म है, 13 अप्रैल 2007 में रिलीज हुई थी जो कि ब्लॉकबस्टर रही। मिनिस्टर फटाक केस्तो यह एक बंगाली फिल्म है, 8 जून 2007 में रिलीज हुई, कमाई की 3 करोड़ की और सुपरहिट रही। राक 15 जून 2007 में यह फिल्म आई और डिजास्टर रही। महागुरु यह एक बंगाली फिल्म है जो कि जुलाई 2007 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। टाइगर यह भी एक बंगाली फिल्म है, 11 अक्टूबर 2007 में आई थी और ब्लॉकबस्टर रही। माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस 11 जनवरी 2008 को यह फिल्म आई, कमाई की मात्र 72 लाख की और डिजास्टर रही। टोली नाइट्स यह एक बंगाली फिल्म है, 29 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। सत्यमेवा जयते यह एक बंगाली फिल्म है, 18 अप्रैल 2008 को रिलीज हुई और फ्लॉप रही। काल पुरुष यह भी एक बंगाली फिल्म है, 25 अप्रैल 2008 को रिलीज हुई और हिट रही। डॉन मुथुस्वामी 23 मई 2008 को फिल्म आई, कमाई की लगभग 59 लाख की और डिजास्टर रही। भोले शंकर यह एक भोजपुरी फिल्म है, 12 सितंबर 2008 को रिलीज हुई थी। सीके कंपनी 29 अगस्त 2008 को रिलीज हुई, कमाई की 4 करोड़ की और डिजास्टर रही। हीरो 24 अक्टूबर 2008 को फिल्म आई, कमाई की मात्र 13 करोड़ की और फ्लॉप रही। युवराज 31 नवंबर 2008 को फिल्म आई, कमाई की 17 करोड़ की और डिजास्टर रही। चांदनी चौक टू चाइना 16 जनवरी 2009 को फिल्म आई, कमाई की मात्र 30 करोड़ की और डिजास्टर रही। जोर लगा के हैया 12 जून 2009 में फिल्म आई, कमाई की मात्र 19 लाख की और डिजास्टर रही। लक 24 जुलाई 2009 में फिल्म आई, कमाई की मात्र 21 करोड़ की और फ्लॉप रही। चल चले 7 अगस्त 2009 में फिल्म आई, कमाई की मात्र 4 लाख की और डिजास्टर रही। फिर कभी 22 अगस्त 2009 में फिल्म आई, यह फिल्म डायरेक्ट टीवी पर रिलीज हुई थी। बाबर 11 सितंबर 2009 को फिल्म आई, कमाई की मात्र 1 करोड़ की और डिजास्टर रही। वीर 22 जनवरी 2010 को फिल्म आई, कमाई की 38 करोड़ की और बिलो एवरेज रही। रहमत अली यह एक बंगाली फिल्म है, 26 फरवरी 2010 में रिलीज हुई और एवरेज रही। हंडा एंड भोंडा यह एक बंगाली फिल्म है, 26 मार्च 2010 में रिलीज हुई और डिजास्टर रही। सुकनो लंका यह भी एक बंगाली फिल्म है, 2 जुलाई 2010 में रिलीज हुई और सुपरहिट थी। टारगेट यह भी एक बंगाली फिल्म है, 23 जून 2010 को रिलीज हुई और सेमी हिट रही। गोलमाल 3 5 नवंबर 2010 में फिल्म आई, कमाई की 108 करोड़ की और ब्लॉकबस्टर रही। गुलापी एखो बिलाते यह एक बंगाली फिल्म है, 29 जनवरी 2010 को रिलीज हुई और फ्लॉप रही। अमित सुभाष बोलची यह भी एक बंगाली फिल्म है, 12 अगस्त 2011 को रिलीज हुई और फ्लॉप रही। महासंग्राम यह एक भोजपुरी फिल्म है, 13 जनवरी 2012 को रिलीज हुई और हिट रही। नोबेल चोर बंगाली फिल्म है, 22 फरवरी 2012 को रिलीज हुई और डिजास्टर रही। जिंदगी तेरे नाम 16 मार्च 2012 को यह फिल्म आई, कमाई की 16 लाख की और डिजास्टर रही। हाउसफुल 2 5 अप्रैल 2012 में फिल्म आई, कमाई की 112 करोड़ की और सुपरहिट थी। ले हलवाले यह भी एक बंगाली फिल्म है, 3 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और एवरेज रही। खिलाड़ी 786 7 सितंबर 2012 को रिलीज हुई, कमाई की 65 करोड़ की और एवरेज रही। ओ माई गॉड 28 सितंबर 2012 को रिलीज हुई, कमाई की 81 करोड़ की और सुपरहिट थी। रॉकी यह भी एक बंगाली फिल्म है, 26 अप्रैल 2013 को आई और एवरेज रही। इनेमी 21 जून 2013 में रिलीज हुई, कमाई की 1 करोड़ की और डिजास्टर रही। बॉस 16 अक्टूबर 2013 में रिलीज हुई, कमाई की 50 करोड़ की और फ्लॉप रही। कांची 25 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई, कमाई की 3 करोड़ की और डिजास्टर रही। किक 25 जुलाई 2014 में आई, कमाई की 211 करोड़ की और ब्लॉकबस्टर रही। इंटरटेनमेंट 8 अगस्त 2014 को फिल्म आई, कमाई की 64 करोड़ की और फ्लॉप रही। गोपाला गोपाला यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है, 10 जनवरी 2015 को रिलीज हुई और अबव एवरेज रही। हीरो गिरी यह एक बंगाली फिल्म है, 23 जनवरी 2015 को आई और फ्लॉप रही। हवाई ज्यादा 30 जनवरी 2015 को रिलीज हुई, कमाई की 3 करोड़ की और डिजास्टर रही। नक्सल यह बंगाली फिल्म है, 19 जून 2015 को रिलीज हुई और डिजास्टर रही। यागा वरैनम ना कक्का यह तेलुगु भाषा की फिल्म है, 26 जून 2015 को रिलीज हुई और फ्लॉप रही। एक नादिर गाल्पो यह एक बंगाली फिल्म है, 14 अगस्त 2015 को रिलीज हुई और सुपरहिट थी। हसोन राजा 31 मार्च 2017 को आई और डिजास्टर रही। गोलमाल यह एक बंगाली फिल्म है, 14 मार्च 2017 को रिलीज हुई और हिट थी। जोले जोंगोले यह एक बंगाली फिल्म है, 5 जनवरी 2018 को आई और बिलो एवरेज रही। द विलेन यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है, 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई और फ्लॉप थी। जीनियस 24 अगस्त 2018 को आई, कमाई की 4 करोड़ की और डिजास्टर रही। द तास्केंट फाइल 12 अप्रैल 2019 को फिल्म आई, कमाई की 3 करोड़ की और डिजास्टर रही। 12 ओ क्लॉक 8 जनवरी 2021 को फिल्म आई, कमाई की 33 लाख की और डिजास्टर रही।
द कश्मीर फाइल 11 मार्च 2022 को फिल्माई कमाई की 252.25 लाख की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों ये थी मिथुन दादा की अब तक की सभी फिल्मों के नाम। इसमें से मिथुन की आपकी कौन सी फिल्म सबसे पसंदीदा थी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा।